दिबांग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने किया समीक्षा बैठक। राजगीर में शिक्षण को लेकर कई अहम बिंदुओं पर की गई चर्चा। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर भागलपुर के स्थानीय होटल में एक अहम बैठक की। इस बैठक में लोजपा प्रभारी बेबी यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा, संगीता तिवारी सहित काफी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं बैठक के उपरांत लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा एवं अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर भागलपुर जिला के सभी कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अपील की है। वहीं लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि राजगीर में होने वाले लोजपा प्रशिक्षण शिविर में संगठन का विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर हम लोगों को पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सभी लोगों को जोड़कर इस मिशन को पूरा करेंगे। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अन्य कोई भी सरकारी व्यवस्था हो, सबको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग वहां पर राजगीर में एकत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर में सबको प्रशिक्षित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। सर, गप थोड़ा। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होना ये एक आम विषय है, ये कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसकी पहचान तब होती है जब हम प्रशिक्षित होते हैं, जब हम अनुशासन के साथ अपने पार्टी और अपने लोगों का ख्याल रखते हुए साथ बढ़ते हैं, तो वैसी पार्टी का एक अलग महत्व होता है। तो वहां पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के पीछे की वजह यही है कि किस तरीके से अनुशासन के साथ पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहार में चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे अन्य किसी भी मसले की बात हो, वो प्रमुखता से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी उठाते रहे हैं। ना केवल उठाने का काम किया, बल्कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय बिहार की राजनीति में लेने का काम 2020 में किया, जहां पर वो आराम से यदि गठबंधन का हिस्सा होते तो आज केंद्र में मंत्री भी होते, बिहार में उनके विधायक भी होते, बिहार में उनके मंत्री भी होते, तमाम सुविधाएं होती, लेकिन उन तमाम सुविधाओं को, सुख को दरकिनार कर उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए अकेले लड़ने का और बिहार की बात करने का निर्णय लिया। और हम लोगों को ऐसे हमारे नेता के साथ कार्य करने में गर्व महसूस होता है और हम लोग सब मिलकर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के ना केवल निर्णय के साथ हैं, बल्कि उनके 2025 के मिशन में भी हम लोग सब एकमत होकर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर पर बिहार की राजनीति को बदलने में अपनी अहम भूमिका का हिस्सा बने। इसके लिए हम लोग सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि 22, 23, 24 को भागलपुर से हजारों की तादाद में हम लोग राजगीर के लिए रवाना होंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक।